हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसका टॉपिक हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बच्चों को होता है जब हम किसी एक पूरी चीज़ को पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके पार्ट्स और उसको इक्वली दिखा सकते हैं। तो इसका सॉब टॉपिक है टू नो अबाउट पार्ट्स एंड होल। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ ग्रिड ऑफ 16 बॉक्सेस। इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे 16 बॉक्सेस की एक ग्रिड है। ब्लू बॉक्स इज फिल्ड इन सम ऑफ द बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड। टेल हाउ मच पार्ट ऑफ द ग्रिड इज कलर्ड ब्लू एंड हाउ मच पार्ट इज लेफ्ट अनकलर्ड। तो आपको इसमें ये बताना है फ्रैक्शन में कि कितना पार्ट इस ग्रिड का कलर किया हुआ है ब्लू कलर से और कितना पार्ट आपका अनकलर्ड बचा हुआ है। तो आप इसमें काउंट कीजिए कि जितना ये ब्लू कलर से आपने, मतलब इसमें देख रहे हैं कि ये पेंट रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके 8 बॉक्सेस कलर्ड हैं यहाँ पर ब्लू। तो आप इसको, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कलर्ड पार्ट लिखना है आपको। तो मैंने यहाँ पर लिखा है हाफ 1/2। अब ये आया कैसे, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपने 8 काउंट किए और टोटल बॉक्सेस थे हमारे 16। तो 8/16 यानी कि 8 का टेबल पढ़ेंगे आप, 8 1s are 8 2s are, तो यानी 1/2 हाफ, यानी आपके 16 में से आधे बॉक्सेस कलर्ड हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है अनकलर्ड पार्ट। आपको इसमें अनकलर्ड पार्ट बताने हैं। तो अभी हमने देखा कि आधे जो हैं वो कलर्ड पार्ट हैं, तो बचे हुए आधे भी अनकलर्ड हो गए। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ अ ग्रिड ऑफ 16 बॉक्सेस। आपको 16 बॉक्सेस की ग्रिड ड्रॉ करनी है इन योर नोटबुक एंड कलर द बॉक्सेस इन द गिवन पैटर्न। और आपको जो पैटर्न ये दिया हुआ है उसी पर, उसी के बेस पर आपको उन्हें कलर करना है। तो फर्स्ट है 3/16 ब्लू, यानी आपको 16 टोटल बॉक्सेस में से 3 ब्लू करने हैं, जैसे मैंने इसमें कर दिए हैं। सेकंड है 5/16, आपको रेड करने हैं 16 में से 5। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाफ येलो, यानी आपको टोटल बॉक्सेस के आधे बॉक्स येलो करने हैं। तो आधे का मतलब अभी मैंने बताया था, टोटल यानी हमारे 16 हैं, तो 16 में से आधे कितने हो गए, 8। तो उसका हाफ इसने बोला है, तो हाफ हम ऐसे करेंगे, हाफ पहले आप हाफ लिखेंगे मल्टीप्लाई 16, जितने टोटल होते हैं वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने 16 लिख दिया है, फिर उसको आप कट करेंगे, 2 1s are और 2 8s are। तो इस तरीके से हमारा आंसर 8 आ जाएगा। और फिर जो ऊपर वाले होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, तो 8 1s are 8 ही होता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रामूज वेजिटेबल फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो रामू का जो खेत है उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है विच वेजिटेबल इज़ ग्रोन इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एंड हाउ मच पार्ट डज इट कवर। कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा बड़े हिस्से में ग्रो की गई है और वो कितना है हिस्सा। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कौन सी है, टमाटो 1 2 3, ये 3 बॉक्सेस में है, तो 3/9, तो आपका ये पार्ट हो गया कि टोटल में से 3/9 आपने टमाटो ग्रो की हैं। सेकंड, पोटैटो इज़ ग्रोन इन हाउ मच पार्ट ऑफ द फील्ड। अब आपको पोटैटो का बताना है, यानी आलू कितने हैं, 2 1 2 9 में से 2। थर्ड है हाउ मच पार्ट इज़ यूज्ड फॉर ब्रिंजल्स। ब्रिंजल्स के लिए कितना पार्ट यूज़ किया गया है फील्ड का, तो इसका भी 2 ही किया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच पार्ट इज यूज्ड फॉर स्पिनच। स्पिनच के लिए कितना है आप देख लीजिए यहाँ पे फटाफट, 1 बॉक्स में ही स्पिनच है और टोटल हमारे बॉक्सेस कितने हैं, 9। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 1/9। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द होल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय। आपको पार्ट्स का पता लगाना है जो होल को जो कवर कर रहे हैं। फर्स्ट है रेड बॉल्स। रेड बॉल कितने हैं, पहले तो आप इनको टोटल काउंट कर लीजिए, ये आपके टोटल 10 हैं।
और अब देखते हैं कितना किसका है। रेड बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4, यानी 10 में से 4, तो 4/10 हो जाएगा। ग्रीन बॉल्स कितनी है आपकी, टोटल है आपकी 10 और उसमें से 5, तो 5/10। तो अभी हमने जैसे देखा था, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। 5 बॉल्स आपकी ग्रीन है और टोटल कितना है हमारा 10। तो जब ऐसा होता है तो हम टेबल पढ़ते हैं, 5 1 5 2। तो ये देखिए आपके 10 में से आधे हैं, यानी आधा आपका कितना हिस्सा किसने कवर रखा है, ग्रीन बॉल्स ने। ठीक है बच्चों, अब आती है आपकी बारी ब्लू बॉल्स की। तो ब्लू कितनी है, 1 ही है, 1 में से 10 में से 1, तो 1/10 हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन हैज़ 20 टोमेटोज एंड 18 पोटैटोज ही गेव। अब रोहन के पास कितने टोमेटोज हैं, 20, और 18 पोटैटोज हैं, अब उसने कुछ लोगों को दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/5 ऑफ द टोमेटोज एंड 1/3 ऑफ द पोटैटोज टू सोहन, हाउ मैनी टोमेटोज एंड पोटैटोज डज सोहन गेट। तो जब उसके पास जितने भी टोटल हैं, उसने उसका 1/5 हिस्सा टमाटोज का और 1/3 हिस्सा पोटैटोज का सोहन को दे दिया है। तो देखते हैं उसने कितना दे दिया है। सोहन गेट्स 1/5 ऑफ द टमाटोज। तो 1/5 ऑफ द टमाटोज कितना क्या है, 1/5 इंटू 20 इज इक्वल टू, अब सेम जैसा मैंने अभी ऊपर करके दिखाया था वैसा ही है, 1/5 और 20 कितना हो गया, 5 1 5 5 4 20, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4 1 4, यानी उसको कितने टोमेटोज मिले हैं, 4। और इसी तरह कितने पोटैटोज मिले हैं, 1/3 ऑफ द पोटैटोज। आपके पोटैटोज कितने थे, 18 थे, तो 1/3 कितना हो गया उसका, 3 1 3 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 6 पोटैटोज उसको मिले हैं। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन है, 2/5 ऑफ द टोमेटोज एंड 3/6 ऑफ द पोटैटोज टू मोहन, हाउ मैनी टोमेटोज एंड पोटैटोज डज मोहन गेट। अब इसमें आपको देखना है कि मोहन को कितना मिला है। मोहन गेट्स 2/5 ऑफ द टोमेटोज, तो टोमेटोज उसके 20 थे, तो उसका 2/5 पार्ट मिला है उसको, मोहन को। तो कितना मिला है, 5 1 5 4, तो यानी 4, अब 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, 4 2 8, यानी 8 टमाटोज उसने मोहन को दिए हैं। सेकंड है हमारा 3/6 ऑफ द पोटैटोज, तो पोटैटोज कितने थे, 18, और उसका 3/6 पार्ट उसने मोहन को दे दिया, तो कितना दे दिया, 6 1 6 3 6 3 18 होता है, तो 3 3 कितना हो गया, 9, यानी उसने 9 पोटैटोज मोहन को दे दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।